न ये कोई महल है न कोई भूल भुलैया, ये है पाताल लोक में बसी एक तानाशाह की अय्याशी भरी दुनिया। जी हाँ, इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो है लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी का एक बंकर। जब से लीबिया की राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है तब से लेकर अब तक गद्दाफी के कई बंकर मिल चुके हैं, लेकिन ये बंकर सबसे बड़ा और सबसे अलग है। त्रिपोली के पूर्वी हिस्से के जराबा स्ट्रीट के नीचे मिले इस बंकर को पहले गद्दाफी के बेटे मुतासिम का अड्डा माना जा रहा था, लेकिन जब इस बंकर के नीचे विद्रोही घुसे तो यहाँ की दुनिया देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस बंकर को जिस तरह से बनाया गया है उसके बाद हर कोई यह कह रहा है कि इस बंकर में कभी खुद गद्दाफी रहता होगा। गद्दाफी के बंकर में आज कैमरा जाएगा, आज आप देखेंगे गद्दाफी और उसके बेटे की जमीन के नीचे बसाई गई भूल भुलैया। लेकिन पहले देखिए कैसे जमीन के ऊपर इस बाप बेटे ने बना रखा था अय्याशी का महल। दूध जैसे सफेद रंग से बने इस महल की खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। यहाँ स्विमिंग पूल के साथ में ऐशो आराम का हर सामान मौजूद है, जिम, सोना बाथ, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार पेंटिंग्स, महंगी शराब की बोतलें। कांच की इस दीवार के बाहर समंदर कितना खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन ये महल जितना जमीन के ऊपर बना है उससे कहीं नीचे बसी है एक रहस्यमयी दुनिया। ये देखिए जमीन के अंदर जा रहा है कैमरा। गद्दाफी और उसके बेटे का ये बंकर किसी जेम्स बॉन्ड के अड्डे से कम नहीं है। इस बंकर की दीवारें मजबूत कंक्रीट की 10 फीट मोटी परत से बनी हैं। यहाँ एक रास्ते से कई रास्ते खुलते हैं। ये दुश्मन को चकमा देने के लिए भूल भुलैया की तरह बसाया गया है। अब देखिए इन हरे हरे मोटे दरवाजों को, ये इतने मजबूत लोहे से बने हैं कि इन्हें बम लगाकर ही तोड़ा जा सकता है। इन दरवाजों पर ऑटोमेटिक लॉक लगे हुए हैं। इस बंकर में पूरे 50 कमरे मिले हैं जिसमें पूरे 500 लोग रह सकते हैं। और इस बंकर में सोने के कमरे हैं, मीटिंग्स के लिए कमरे हैं, किताबों से भरे कमरे हैं और हथियारों से भरे कमरे भी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला है इस बंकर में बना एक अस्पताल। जी हाँ, देखिए पूरा अस्पताल बना हुआ है इस बंकर में। मरीज के लिए बिस्तर है और डॉक्टर के लिए क्लिनिक। मुतासिम गद्दाफी खुद एक डॉक्टर है, इसीलिए माना जा रहा है कि जमीन के अंदर अस्पताल बनाने का दिमाग उसी का होगा। इस अस्पताल को बनाने के पीछे मकसद ये भी है कि अगर गद्दाफी परिवार किसी हमले में घायल हो जाता है तो दुश्मन की आंखों से दूर यहाँ उसका इलाज चल सके। इतना तो तय है कि इस महल और बंकर में मुतासिम ही रहता होगा, क्योंकि यहाँ उसकी उस फ्रेंच गर्लफ्रेंड की तस्वीरें मिली हैं जो पेशे से एक मॉडल है।